हेलो जी, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पनीर की रेसिपी, जिसे मैंने घर में खुद बनाया है। शाही पनीर देसी स्टाइल से। तो उसके लिए हमने लिए हैं 2 प्याज और 4 टमाटर, कुछ खड़े मसाले और काजू, पनीर और बटर, अमूल का बटर और सूखे मसाले। तो पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डालेंगे, ये रिफाइंड ऑयल है। ऑयल मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, तो अब इसमें मैं थोड़ा अमूल का बटर भी डालूँगी। तो मैंने इसमें थोड़ा जैसा अमूल बटर डाल दिया है, तो थोड़ा मैं इसमें बाद में डाल दूंगी अमूल बटर, जब मेरा पनीर बन जाएगा उसके बाद लास्ट में थोड़ा पनीर में डालूंगी। थोड़ा मैं जब सूखे मसाले का तड़का बनेगा तो उस टाइम डालूंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि मैंने कैसे बनाया था पनीर, शाही पनीर। तो अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ सूखे मसाले, 2 तेज पत्ते और 2-4 लौंग और 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 जावित्री। तो अब मैंने इन सारे मसालों को अच्छे से भून लिया है। अब इनमें से अच्छी खुशबू आने लगी है और मैंने इसमें 2 लाल मिर्च भी डाली है। तो इसके बाद मैं डालूँगी प्याज, जिसे मैंने रफली चॉप करके रखा हुआ था। अब मैं प्याज को लगभग 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही पकाऊंगी ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो अब मैं इसमें 8-10 काजू भी डालूंगी। काजू से हमारे जो ग्रेवी बनेगी वो बहुत स्मूथ होगी। तो अब मैं डालने जा रही हूँ उसमें काजू। पीछे से आपको शायद छोटे जैसे बच्चे की आवाज़ सुनाई देगी, ये मेरी बेटी है आरबिका, जो कि मेरे पास खेल रही है। तो मैं काजू को भी इसके साथ भूनूंगी। प्लीज़ आप इसकी आवाज़ को माइंड मत कीजिएगा। जब प्याज 1-2 मिनट ऐसे भून ले तो उसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर। टमाटर अब डाले मैंने इसमें टमाटर, जो कि मैंने ये भी रफली चॉप करके हुए रखे हुए थे। तो अब हम टमाटर को भी लगभग 5-6 मिनट के लिए मीडियम आंच पर रखेंगे, जिससे टमाटर का कच्चापन भी दूर हो जाए। इसके बाद मैंने इसको ढक्कन बंद करके रख दिया 5-6 मिनट के लिए। तो 5-6 मिनट हो चुके हैं, देखिए हमारे टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। तो अब मैं इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और अब मैं इसका मिक्सर जार में डाल दूंगी और अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी, इसका एकदम से स्मूथ सा पेस्ट बना लूंगी।
ये मैं मसाला इस मिक्सी में डाल दिया है। तो अब मैं इसका अच्छा सा पेस्ट बना दूंगी। एक साइड मैंने वही कढ़ाई चढ़ा दी है और इसका तड़का तैयार करने के लिए। ये देखिए ये कितना अच्छे से बहुत ही सॉफ्ट जैसा हमारा जो मसाला है वो पिसा हुआ है। तो मैं इसमें डालूंगी कढ़ाई में थोड़ा सा बटर और थोड़ा ऑयल, क्योंकि अगर मैं बटर अकेले डालूंगी तो वो जलने का डर होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसमें ऑयल भी डाल दिया है। और बचा हुआ ये बटर हम बाद में यूज़ कर लेंगे जब लास्ट में हमारा पनीर तैयार होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करके बता दें कि पनीर की रेसिपी आपको कैसी लगी। बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है, तो मैं इसमें डालूंगी सूखे मसाले जो कि है धनिया पाउडर लगभग 1.5 चम्मच और लाल मिर्च पाउडर लगभग 1.5 चम्मच, 1.5 चम्मच से थोड़ा कम। और अब डालूंगी मैं हल्दी पाउडर। अब मैं इन मसालों को अच्छे से पकाऊंगी। अब मसाले में से अच्छी सी खुशबू फैलने लगी है। ये मैंने थोड़े जैसा और डाल दिए लाल मिर्च पाउडर। तो इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी। तो इसके बाद मैं अब ये जो पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ है प्याज टमाटर और काजू का, तो मैं इसको इसमें और ये मैं डाल रही हूँ गार्लिक पेस्ट। थोड़ा जैसे डाल दिया मैंने गार्लिक पेस्ट और अब मैं डाल रही हूँ इसमें जो हमने मसाला भूनने के बाद ग्राइंड करके रखा हुआ था, तो ये डाल दिया मैंने। अब मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी। गैस की आंच हम मीडियम रखेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो इसको मैं पकाऊंगी जब तक कि मसाला, ये मैंने नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। ये वीडियो मैंने थोड़े फास्ट फॉरवर्ड पर कर दी है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो मैंने इसको लगभग 8-10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के मीडियम आंच पर पकाया, जब तक कि मसाला तेल छोड़ने ना लगे। तो ये देखिए आप मेरी ग्रेवी कैसी बनी हुई है। तो ये हमने आठ दस मिनट हो चुके हैं, तो अब देखिए ग्रेवी कैसे हुई है। इसमें से मसाले में से तेल अलग होने लगा है, तो अब हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। ये देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी बनी हुई है, ये बहुत ही टेस्टी बना हुआ था, क्योंकि वॉइस ओवर मैं उसके बाद कर रही हूँ खाने के बाद।
ये देखिए, बताइएगा कि कैसा बनाए। तो अब मैं इसमें डालूंगी पनीर जो कि मैंने पहले काट के रखा हुआ था। पनीर आधा किलो है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। तो ये देखिए पनीर कितना अच्छा बना हुआ है, ग्रेवी भी इसकी बहुत अच्छी बनी हुई है। देखिए देखिए कैसा बना हुआ है पनीर। अब मैं 1-2 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी। तो ये देखिए ये इसका फाइनल लुक, बताइएगा कि कैसे बना है हमारा पनीर। ये देखिए बना है ना एकदम से, अपना देसी स्टाइल पनीर, शाही पनीर। ये देखिए ये मैंने अपने घर में जो चीजें होती उससे बना